हेलो डियर स्टूडेंट, देखिए लाइव मैंने में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से आपको वीडियो के माध्यम से ही पढ़ाया जा रहा है। सर पढ़ाया जाएगा और जैसे ही प्रॉब्लम ठीक होती है फिर लाइव पढ़ाया जाएगा। तो आप आज क्लास 10th वाले पढ़ेंगे मैथ बहुपद। चैप्टर तो है बहुपद, बहुत ही आसान चैप्टर है, कुछ नहीं है। नाइन्थ में आप कुछ इसके बारे में आपको हम बताए थे, नाइन्थ में आप कुछ इसके बारे में जानते भी हैं, पढ़े होंगे, हम बताए थे लास्ट में। तो अब चलिए यहां देखते हैं बहुपद। और बहुपद जिसे जो चैप्टर का नाम ही बहुपद है, तो भाई बहुपद है क्या, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ है, तो ये हम जानते हैं पहले। तो सर्वप्रथम भाई बहुपद जानते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद कहते किसको है, इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि बहु मतलब बहुत सारे, एक से अधिक का मतलब बहुत, एक से अधिक मतलब बहुत, दो हो जाएंगे तो उसमें बहुत, थ्री अधिक चार हो जाएंगे तो बहुत सारे हो गए हैं। तो अब बहुपद मतलब जिसमें एक से अधिक प्रकार की राशि हो उसमें एक ना, तो बहुपद है। सिंपल सी बात है, एक से अधिक प्रकार की राशि चर और अचर का गुणनफल ही बहुपद कहलाता है, या इसका डिफिनेशन होता है। मतलब जिसमें एक से अधिक प्रकार की राशि हो, एक चर हो तो दूसरा अचर, तो वो बहुपद होगा। अब केवल आपको लिख देना टू तो कहेंगे कि यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। कहा है भाई, कहा कि यह क्या एक ही प्रकार की राशि है, इसमें एक ही प्रकार की राशि है, ये टू क्या है, तो आपका टू क्या है, अचर है। इसका मान क्या होगा, बदलेगा तो इसका मान तो अभी नहीं बदला, टू है तो टू है, थ्री है तो थ्री है, फाइव है तो फाइव है, इसका मान नहीं बदलता है। तो यह क्या है, आपका कौन सी राशि है, अचर राशि है, तो यह बहुपद नहीं होगा। बहुपद में क्या होना चाहिए, एक से अधिक प्रकार की राशि होनी चाहिए। सिंपल सी बस यही बात है, एक से अधिक प्रकार की राशि, जैसे आपका लिख दिया टू एक्स, तो टू एक्स लिख दिया गया, तो इसमें टू क्या आपका अचर है, एक्स क्या है आपका चर, तो ये क्या आपका एक बहुपद है। दूसरी बात, बहुपद जो होना चाहिए वो पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण का मतलब ये कि जिसे मान लीजिए कि इसमें जो ये राशि होती है, जो चर राशि होती है, इसका मान पूर्ण होना चाहिए। बहुपद को दो भागों में विभाजित किया गया, ऐसा समझिएगा। वैसे तो बहुपद आप पढ़ेंगे तो बहुत रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चार घात का, पांच घात का, सौ घात का आता रहेगा। तो इसको सिंपल से डिफाइन करने के लिए हम बता रहे हैं आपको कि बहुपद के प्रकार, तो बहुपद को दो भागों में विभाजित।
45 कर दीजिए, विभाजित किया गया है या कर दीजिए आप लोग, ठीक। इसको अलग अलग दो भागों में विभाजित करके हम पढ़ेंगे तो आसानी से इसको जानेंगे, नहीं तो ऐसे आपको पूछा जाएगा कि बहुपद कितने प्रकार के हैं तो बहुत सारे बताएंगे। कोई कहेगा कि द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चारपदी बहुपद, कोई बताएगा द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो इसको सिंपल से डिफाइन करने के लिए बहुपद को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, एक पदों के आधार पर और दूसरा घातों के आधार पर। तो पदों के आधार पर उसमें जितने पद होंगे, ठीक है, वो उतने पदों वाला रूप पदों का, जैसे मान लीजिएगा कि पदों के आधार पर 2x + 5, तो इसमें कितने पद है भाई, आ तो दो पद है, तो ये पदों के आधार पर द्विपदी बहुपद हो जाएगा। जैसे 2x² + 3x + 5, इसमें कितने पद है, 1, 2 और 3, ये त्रिपदी बहुपद हो जाएगा, त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। जैसे मान लीजिएगा एक और आंसर कि x^4 + 3x³ + 2x² + 5x + 6, और इसमें कितने पद है, 1, 2, 3, 4 और 5, तो अब ये कैसा बहुपद होगा, तो 5 पद ही बहुपद होगा। तो पदों के आधार पर अर्थात उसमें जितने पद होंगे वो पदों के आधार पर, घातों के आधार पर, तो घातों के आधार पर उसमें घात से हम बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि 2x + 5, अब 2x + 5 है तो भाई ये कैसा बहुपद है, घातों के आधार पर अगर पूछा जाए तो कहेंगे कि इसमें घातों की संख्या x पर 1 है, अर्थात ये रैखिक बहुपद है, मतलब एक घात वाला है, तो एक घात को हम क्या बोलते हैं, रैखिक बोलते हैं, ठीक है। तो 2x + 5 अर्थात ये रैखिक बहुपद है। अब यही आप यही 2x² + 3x और + 5, तो अब ये किसमें कितनी घात है, तो x पर 2 घात है, अर्थात ये 2 घात बहुपद, ऐसे ही आपका 3 घात 4 घात। तो बहुपद को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक पदों के आधार पर, दूसरा घातों के आधार पर। अगर आपसे पूछा जाए कि 2x² + 3x + 5 कैसा बहुपद है, तो आप सिंपल से बताइएगा कि यह द्विघात या कहेंगे कि त्रिपद वाला द्विघात बहुपद है, ऐसे आप बताएंगे तो एकदम सही है। कहेंगे आपसे पूछेगा कि भाई पदों के आधार पर कैसा बहुपद है, तो कह देंगे त्रिपदी बहुपद है। अगर केवल पूछा जाए कि भाई यह कैसा बहुपद, यह बहुपद है, तो कहेंगे कि हाँ बहुपद है। पहली बार तो आपसे पूछेगा कि बहुपद है, तो कहेंगे कि हाँ बहुपद है, क्यों है, तो इसमें x का जो घात है वो क्या है, पूर्ण है, अधूरा नहीं है, माइनस में नहीं है, पूर्ण है, अर्थात ये बहुपद है, ठीक। अब आपसे पूछेगा कि भाई कैसा बहुपद है, तो कहेंगे कि ये त्रिपदी, त्रिपद वाला द्विघात बहुपद है, यानी इसमें पद की, पदों की संख्या कितनी है, तो 3 है, घातों की संख्या कितनी है, तो 2 है, ठीक है। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बहुपद के सुनने, बहुपद के प्रकार आप जानेंगे, बहुपद के प्रकार आप जानेंगे, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद, हाँ, त्रिपदी बहुपद, चारपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, अलग प्रकार के बहुपद होते हैं। अब आपसे पूछेगा कि मान लीजिए कि सुनने, बहुपद के सुनने पड़े पड़े एक सेकंड थोड़ा सा एक चीज और जान लीजिए। आपसे पूछेगा, पूछ दिया जाएगा कि 2x² + 3x + 5 इस बहुपद की घात, तो बहुपद की घात का मतलब ये होता है कि ये भी आपका एक हेडिंग हो जाएगा कि बहुपद की घात, इससे पहले इसको समझते हैं बहुपद की घात, उसके बाद हम शून्य के जाएंगे, कहे की घात से ही रिलेटिव है शून्य, ठीक है। जब आप घात जानोगे तो उसको शून्य का आप तुरंत बता दोगे कि कितने शून्य होंगे, एकदम ऑटोमेटिकली तुरंत आप जान जाओगे, देखिएगा बहुपद की घात। तो घात का मतलब क्या होता है कि 2x² + 3x + 5, अब यहाँ घात उस बहुपद का जो घात अगर आपसे पूछेगा तो उस बहुपद में जो सबसे अधिक घात होगी वही उस बहुपद की घात, अर्थात उस बहुपद की घात कितनी होगी, तो कितना होगा। अब आपसे कोई पूछ लेगा कि x/5 + 3x + 10, अब इस बहुपद की घात क्या है, तो देखिएगा अब x पर 5 से मतलब नहीं है, यही नहीं किया, अब यहां 100 होकर लिख देगा कि 100x/5 + 3x/10, तो आपका दीजा कि 100 यह बहुपद की घात 5 नहीं, घात के मतलब यह है कि जो पावर होना चाहिए वो x पर होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि जो पावर होना चाहिए x पर होना चाहिए, तो इस बहुपद की घात कितनी होगी, तो अब आप सब जैसे मान लीजिए कि दे दे कि 1000x या 1000 पे घात 100 और इनटू x प्लस 3x पर की। अब आपसे आप पूछेगा कि बहुपद की घात क्या है, तो बहुत लड़के मिस्टेक कर लेते हैं, देखिए 1000 पे 100 घात दे दिया है एक बहुपद की घात, और जो कि यह क्या है, गलत है। आपको बहुपद की घात किस राशि पर देखनी है भाई, आ तो ये x वाला, a वाला, b वाला, ऐसे समझिए x a से लेकर b वाले जितनी राशि होगी उस पर घात होगा वही उस बहुपद की घात होगी, उसमें बहुपद की घात कितनी है, सबसे अधिक आ तो 3 है, अर्थात बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3।
शून्य कहते हैं। तो शून्य घात से रिलेटिव हमने बताया है। एक चीज है कि उस बहुपद में जो बहुपद की घात होगी ना उतने ही उस बहुपद की शून्य घात होगी। शून्य का मतलब क्या होता है? शून्य का मतलब होता है मान, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 2x+5 दिया है, अब 2x+5 दिया है, अब पूछेगा कि इस बहुपद के शून्य को बताएंगे। तो 2x+5 बहुपद को शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे कि 2x = -5 उधर जाएगा तो, और x = -5/2, और यही इस बहुपद, ठीक है, इस बहुपद का शून्य है। तो बहुपद का शून्य का मतलब, और x का मान जो आप इसमें रखेंगे ना तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो रखिए, देखिए रख लेते हैं कि माइनस एक्स 2 × -5 = 5 + 5 = 0। तो जो मान होते हैं वह 0 के बराबर हो जाते हैं, ठीक है, वही बहुपद का शून्य कहलाता है। वह x का मान ही उस बहुपद का क्या है? शून्य कहलाता है। अब वह बहुपद जितने घात का होगा उस बहुपद में उतने ही क्या होंगे? शून्य होंगे। तो सिंपल सी बात, बहुपद के शून्य का मतलब, ठीक है, अर्थात उस बहुपद में जो राशियां होती हैं x y जो वाला, ठीक है, उन्हीं के आपको क्या ज्ञात करने होते हैं? मान ज्ञात करने होते हैं। अभी तो ये रैखिक है तो आसानी से ज्ञात हो गया, अभी द्विघात आएगा, त्रिघात आएगा, आगे चैप्टर में आप पढ़ेंगे, ठीक, कि द्विघात समीकरण होगा तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, या द्विघात बहुपद होगा तो उसमें उसके उसके मान कैसे ज्ञात करेंगे। ये आपके अगले चैप्टर का है। उसके पहले हम 2.1 स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में एक चीज थोड़ा सा और है कि चलेगा, एक चीज थोड़ा सा और है, देखते हैं कि शून्य से ही रिलेटिव है। जैसे मान लीजिए आप शून्य जान गए, अब ये भी चीज जान गए कि x के मान अर्थात उस बहुपद में जितने घात होगा वह उस बहुपद, तो उस बहुपद में उतने शून्य होंगे। तो एक चीज आपका ये है कि आपको ग्राफ बना के दे देगा, ऐसे ग्राफ दे देगा, ये पर वाला क्या दे देगा अगर ग्राफ, और पूछेगा कि बताइए कि इसमें fx y चल रही है, या क्या देगा कि इसमें fx कौन रहा, इसमें x के जो x ये जो है ये आपका x ये y है, और ये x अच्छा है, और ये आपका y अच्छा है, ठीक है। तो अब पूछेगा कि x अच के शून्य को की संख्या, x अच के शून्य को की संख्या, या आपका y अच के शून्य को की संख्या। तो सिंपल ही बात है, x को जितनी बार ये टच करेगा उसके उतने ही क्या होंगे? शून्य होंगे। ये x को जितनी बार टच करेगा उसको उतने ही क्या होंगे? शून्य होंगे। अगर आप पूछ देगा कि x x अच के शून्य को की संख्या, x अच के शून्य को x को या कितनी बार टच किया भाई, ये जो रेखा गया है x को कितनी बार टच किया है, तो दो बार, तो यहां इसके शून्य कितने हो जाएंगे? तो दो। x अच के शून्य को की संख्या कितनी हो गई? तो दो। अगर फिर मान लीजिए कि ऐसे दे दे और पूछे कि यहाँ x अक्ष के शून्य को की संख्या, तो x अक्ष को टच किया है तो नहीं टच किया है, अर्थात यहाँ इसको शून्य को की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 0, ठीक है। और मान लीजिए कि ऐसे दे दे, अब इसको x अक्ष को कितनी बार टच किया है तो केवल आपको दिखाई दे रहा है एक बार टच कर रहा है, तो इसको शून्य को की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। और ये आपका 2.1 में है, चलिए स्टार्ट करते हैं 2.1। तो 2.1 आप आसानी से लगा सकते हैं, आपको बस ऐसा फिगर दिया गया है और बताना है कि बहुपद के शून्य बताना है। जैसे देखिए कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे दिया गया है, 2.10 में दिया गया है प्रत्येक स्थिति में px के शून्य को की संख्या। तो ये पहला में x को टच किया है, नहीं टच किया था, शून्य को संख्या कितनी हो जाएगी? 0। दूसरा में x को टच किया है कितनी बार? एक बार, तो शून्य को की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। तीसरे में कितनी बार टच करा है भाई? पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, तीन बार टच करा है तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। चौथे में दो बार करना है तो शून्य की संख्या 2। पांचवे में 1, 2, 3, 4 तो शून्य की संख्या 4। और छठवे में 1, 2, 3 तो इसके शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। और ऐसे ही आपका करिएगा, 2.1 को लगा लीजिएगा, और कल हम आगे 2.2 पढ़ेंगे और उसका जो होता है।